अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विम्स लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग है मेहंदी व्लॉग। तो जिस दिन मेहंदी का फंक्शन था रात को, उसी दिन शाम को निकाह सेरेमनी थी। यहाँ घर पे दुल्हन सिग्नेचर्स कर रही हैं और मस्जिद में दूल्हे की ले ली थी। और इस बास्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ हैं जिनके ऊपर कबूल है कि प्रॉप्स लगे हुए हैं। उसके अलावा ये दूल्हा दुल्हन की पेंस हैं, निकाह पेंस, जिनके ऊपर कबूल है लिखा हुआ है। बहुत ही यूनिक पेंस हैं और ये यूनिक आइडिया है। बहुत अच्छा लुक आ रहा था जब निकाह हो रहा था, उस वक्त ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। आज जो मेहंदी के फंक्शन में मैं ड्रेस पहनने जा रही हूँ वो ये वाला ड्रेस है। ये मेहंदी के हिसाब से बिल्कुल अच्छा और प्यारा कलर है। डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ मैंने वन टाइम यूज़ किया था, उसके अलावा जो है मैं अब सेकंड टाइम यूज़ करूँगी। हालांकि ये मतलब हैवी ड्रेसेस होते हैं, इन्हीं अपनों की शादी में ही पहने जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत काम किया गया है इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने इस ड्रेस के साथ मैचिंग सारी एसेसरीज रख दी हैं। उसके अलावा क्लच है और शूज़ हैं जो मैं इसके साथ वेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखा देती हूँ। तो जी ये ड्रेस आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर गोल्डन का काम है। तो मैंने जो शूज़ निकाले वो इसके ही अकॉर्डिंग निकाले। क्लच भी जो है वो इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है इसके काम के साथ। अच्छा, चूड़ियाँ जो है वो मैंने इस तरह डार्क में ली हैं, ये बिल्कुल मेरे ट्राउज़र के साथ मैच हैं। और जो पाइपिंग लगी हुई है बिल्कुल इसी कलर की है। और उसके अलावा जो गोल्डन काम है उसके वजह से मैंने ये एक कड़ा भी रखा है, जो शायद मैं पहनूं या ना पहनूं ऐसे ही ऑप्शनल है। और ये पायल हैं, उसके अलावा ये झूमर है साइड में पहनने के लिए। और ये भी देखो मैं पहनूं या ना पहनूं, बस मैंने मैचिंग करके निकाल के रख दी हैं। टीका भी निकाल के रख दिया है। और इसके अलावा ये जो हाथ में पहनने वाला इतना बड़ा ब्रेसलेट, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये भी बिल्कुल मैच है। और अब मैं देखूँ कि मैं क्या पहनूँगी। और नेल पेंट जो है वो मैंने गोल्डन ही चूज़ की, क्योंकि सारी एसेसरीज़ मेरी गोल्डन में हैं और सैंडल पर्स वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बारी आती है मेरी बेबी गर्ल की ड्रेस देखने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेबी का भी यही ड्रेस कलर है जो मेरा है, सेम उसी कॉम्बिनेशन का है। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रेस आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट और डार्क कलर की कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल मेरी ड्रेस के साथ डिटो मैच हो रहा है, तभी मैंने ये चूज़ किया। उसके अलावा मेहंदी के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है। इनर इसका वाइट कलर में है। चूड़ियाँ मैंने इसकी डार्क रखी हैं, जैसे मैंने अपनी ड्रेस की रखी है। सॉक्स जो है मैंने इस तरह मैचिंग रखे हैं। और हेयरबैंड पहनाऊँगी, थोड़ी देर के लिए मैं कैप भी पहना लूँगी। जी अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना आई मेकअप जो है ग्लिटरी किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटर पसंद है और इससे आईज़ ना पॉपअप हो जाती हैं। जी यहाँ हम तीनों ने माशाल्लाह से मैचिंग की हुई है। मेरा लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, मेरे हस्बैंड का जो है डार्क ग्रीन कलर का सूट है, और मेरी बेबी गर्ल का भी मैच है। जी अब यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। ये जो वेन्यू है जिम खाना है, वही सेम जो मैंने आप लोगों को अपनी मेहंदी का वेन्यू दिखाया था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो है कवर्ड है टेंट से, और ये सारी चेयर्स लगी हुई हैं पर्पल और येलो की कॉम्बिनेशन में। अच्छा, इन लोगों को आप जो भी कॉम्बिनेशन बोलेंगे, मल्टी तो मल्टी करके देंगे, या कोई एक कलर की कहेंगे तो वो भी करके देंगे। ये सारा जो है अपनी मर्ज़ी से हर कोई डेकोर करवाता है। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म है मल्टी कलर का, मेहंदी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये साथ में जो है वो डेकोरेशन के फ्लावर्स लगे हुए, गुलदान वगैरह। और बैकड्रॉप आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, और जो है कलर्स की कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है, पिंक रेड और येलो की है। उसके अलावा इसके अंदर फेरी लाइट्स भी लगी हुई थी और बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत बैकड्रॉप लग रहा था। तो जी ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए सेटअप था, सिर्फ अपने अपने रिलेटिव्स थे। तो
और जी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी नेल पेंट और रिंग्स दिखा रही हूँ। रिंग्स मैंने गोल्ड की वेयर की थी और सैंडल जो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी हील का था, मेरे पाँव इतने दुख गए थे चल चल के, अपनों का फंक्शन था, बंदा एक जगह बैठ ही नहीं सकता था। बड़े असर के बाद मैंने जो है वो हील पहनी थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हुई थी तो मैंने हील पहनना छोड़ दिया था, और बेबी के बाद भी अब 3 मंथ के बाद जाके मैंने हील्स पहनी है। और क्लच मैंने वही उठाया जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। मैं ऐसे बोर हो रही थी, मैं सोच रही थी कि जो है वो एंड में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने एसेसरीज़ जो जो आप लोगों को बताई वही मैंने वेयर की। गोल्ड की ये सारी चूड़ियाँ मैंने वेयर की हैं, और एक हाथ में जो है मैंने आर्टिफिशियल डार्क ग्रीन की जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो पहनी थी। और यहाँ पे दुल्हन वालों ने सब मेहमानों को इस तरह गोटे के हैंडमेड एयरिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ये उन्होंने खुद बनाए थे। उसके अलावा यहाँ स्टेज पे आप देख सकते हैं दूध पिलाई की रस्म चल रही है, सब रश करके खड़े हुए हैं। स्टेज भी बड़ा प्यारा लग रहा है फेरी लाइट्स की वजह से। उसके अलावा डिनर जो है हम सब ने कर लिया था, और डिनर में मेन्यू काफ़ी अच्छा था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। मेन्यू था मतलब पीसेस थे चिकन के, उसके अलावा फ्राइज थे, सालन चिकन का था, बिरयानी थी। मुझे बस यहाँ पे होता है ख़त्म मेहंदी का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट बारात और वलीमे के व्लॉग्स का। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।